गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम संगलदान। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है आज एक और नई वीडियो के साथ। तो इस वक्त शाम के हो रहे हैं 5 बज रहे हैं। तो आज दिन भर कोई काम नहीं किया, आज दिन भर सिर्फ सोया हूँ मैं। तो एक वीडियो एडिट की है, तो वो अपलोड की थी कोई 3 बजे मैंने। तो बाकी पूरा दिन आज ऐसे ही गुजार दिया यहाँ पर, क्योंकि आज दिन में भी बारिश थी यहाँ पर। अभी मौसम ख़राब है यहाँ का, तो अभी बस मैं बाहर निकला हूँ। अभी बारिश रुकी है थोड़ी देर, तो मैं अभी बाहर निकला हूँ। तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर लें छोटी सी। तो अभी मैं यहाँ का मौसम आपको दिखाता हूँ संगलदान का। तो ये देखो गाइज, अभी तो गाइज़ ये हूँ मैं संगलदान में। संगलदान के ऊपर है, इस जगह का नाम है ठठारका के थोड़े नीचे हूँ मैं। तो संगलदान आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं। ये है वो गाइज संगलदान, ये देखो, ये सारा, ये सिटी सारी संगलदान है। तो कल मैं इस रोड से आया था, ये यहाँ से, ये जो रोड दिख रहा है यहाँ से आया था मैं, ये इस रोड से ऊपर। तो यहाँ पे बाकी तो ठीक है, यहाँ पे रास्ता बड़ा ज़्यादा ख़राब है, ये वाला स्लश बड़ा ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी ठीक है, ये थोड़ी कोई 500 मीटर होगा यहाँ पे ज़्यादा स्लश है। ये देखो, ये मेरी बाइक लगी है। तो गाइस ये हमारी बाइक लगी है यहाँ पे दोनों की। तो अभी रात को ही मैं यहाँ पे रुका था। तो ये देखो, ये बच्चे हैं हमारे, ये देखो, ये है आपसा, ये है, क्या नाम है आपका? माही आजम, और वो है सुफियान। तो आया था रात को मैं यानी के पास यहाँ पे। तो बस यहाँ पे ये कुछ सेब के बागात लगे हैं यहाँ पे, ये सेब है। मैं पास में जाके दिखाता हूँ आपको, तो थोड़ा वेट करो मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये हैं सेब के पेड़, इसको यहाँ पे बोलते हैं बई दाना। तो ये देखो, यहाँ पे मैं आया हूँ, बाग बोल लगे हैं यहाँ पे। ये देखो नीचे सारा इसका बाग है, ये देखो, ये सामने है, ये भी इसी के पेड़ हैं, ये वाले भी पेड़ इसी के हैं, ये वाले भी पेड़ इसी के हैं। पास होकर जाके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये है बई दाना, ये होता है, इसको बोलते हैं बई दाना। ये देखो बड़े सारे लगे, अभी कच्चे हैं, अभी पके नहीं हैं, अभी एक महीना लग जाएगा कम से कम। तो ये है, यहाँ पे बेड़ बांधी हुई है, ये बेड़ है, ये ऊपर बकरी का बच्चा है। तो ये ऊपर ऊपर फॉग पड़ी है, और ये जो पेड़ है ना, सारे देवदार के पेड़ हैं, लेती नहीं आ रही इसमें। हाँ ये देखो, सारे देवदार के पेड़ हैं, और ये नीचे ये बई दाना है, ये नाशपाती हैं, ये वाले नाशपाती हैं, ये नाशपाती हैं, ये वाले अच्छे बड़े ज़्यादा लगे हैं नाशपाती यहाँ पे। ये देखो, तो ये देखो, ये हैं भेड़े यहाँ की, ये देखो, ये देखो भाग गई, ये देखो भाग गया। तो ये देखो, ये हैं सेब के बागात यहाँ पे, ये सेब के बागात, ये सेब के पेड़ है सारे, ये भी उसी का है। तो यहाँ पे बाग के बाग लगे इतने सेबों के। ये मक्की की खेत है, यहाँ पे मक्की लगी है। ये ऊपर, ये सारा ऊपर, इसको बोल, ये इस जगह का नाम है ठठारका। ये बच्चे ठठारका ही है ना ऊपर? हाँ, ये ठठारका है, ये ऊपर जो है ये ठठारका है। तो बस यहाँ पे आए हैं हम थोड़ी सी बाहर घूमने, क्योंकि बारिश थी दिन को बड़ी ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे वो थी क्या बोलती, कीचड़ हो गया, स्लश है यहाँ पे, यहाँ से चला भी नहीं जा रहा। तो ये नीचे रोड है, अब बस देखो फॉग हो गई, हर जगह फॉग दिख रही होगी अभी आपको, ये देखो। तो ये देखो,
तो गाइस ये है वॉलनट, जिसको बोलते हैं हिंदी में अखरोट। ये अखरोट का पेड़ है ये वाला। तो यहाँ पे अखरोट इन पे लगे हैं, अभी अभी कच्चे हैं अभी। ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो अखरोट दिख रहे हैं, इनको तोड़ के इनके बीच से ये बाहर वाला छिलका निकल जाता है, अंतर का अखरोट होता है। तो ये भी पेड़ अखरोट के हैं, ये भी पेड़ अखरोट का है, और ये भी पेड़ अखरोट के हैं। वो सामने लगे हैं लाइन पे, वो सीधे लगे हैं, वो पेड़ अखरोट के हैं। यहाँ का अच्छा अभी मौसम ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, मीडियम साइज, आराम से आदमी रह सकता है यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे मकान, ये टूट गया है मकान, ये देखो ये मकान टूट गया, नया बनाने लगे हैं शायद। ये प्लेंथ वगैरह भरा है, ओल्ड मकान इनका, लोगों का है, पता नहीं किसी का किसका। ये देखो पूरा नेचर में है ये देखो, वो देखो, वो यहाँ से आया मैं ऊपर से, वो ऊपर से आया मैं यहाँ पे। तो ये आसमान, ये सारे बादल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हूँ ऊपर मैं। तो गाइज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कश्मीर की किचन। तो ये है बैठने के लिए, ये जो है सारी है बैठने के लिए ये जगह। तो यहाँ पे ये रखे हैं हमने बर्तन, ये बर्तन है सारे, ये देखो इतनी खूबसूरत है। ये है बुखारी, यहाँ जब आग जलाते हैं ना तो धुआं अंदर इकट्ठा नहीं होता, बुखारी सीधा बाहर जला जाता है। तो इसको चिमनी भी बोलते हैं, ऐसे इधर कश्मीर में बोलते हैं बुखारी इसको। तो ये है इनके बर्तन वगैरह, बड़ा ज़बरदस्त इनकी किचन अच्छी है। आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं साइड से, ये देखो गाइस यहाँ भी बर्तन है, ये देखो इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट किया है इन्होंने, ऊपर सीलिंग किया है इन्होंने, छोटा सा पंखा लगाया इन्होंने। यहाँ पे पंखे की ज़रूरत तो नहीं है मगर फिर भी लगाया है। यहाँ पे भी इनका सामान वगैरह पड़ा है। इस साइड ये जो जगह है, ये जो जगह है जो दिखा रहा हूँ, ये जो जगह है ये खाना बनाने के लिए, और ये वाली जगह यहाँ भी बैठते हैं आराम से, वो पिलो वगैरह रखे हैं तो आराम से बैठते हैं यहाँ पे। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल फिर आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।